है एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? मैं बहुत ही ज़्यादा अच्छी नहीं हूँ और आज ब्लॉग करने का भी कुछ मतलब प्लान नहीं था, बट मैंने सोचा कि रिसेप्शन पे जा ही रही हूँ तो ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ। मुझे सर्दी थी, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, तो मैंने इसलिए नहीं जाना था मुझे रिसेप्शन में, बट बहुत फोर्स हो रहा है कि नहीं चलिए, ज़्यादा दूर नहीं जाना है, पास में ही है, तो चलिए चलिए, अच्छा नहीं रहेगा तो फिर चले आइएगा। तो इसलिए मैंने सोचा कि ठीक है, इतना जब सब बोल रहे हैं तो चलते हैं। और आज मैंने सोचा कि क्यों ना साड़ी पहना जाए। मैं अभी रेडी नहीं हुई, मैंने बस अभी ट्राई किया है पहनना, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, फिर सडनली प्लान बनाया क्या पहनूँ। ऐसे आपको कुछ माइंड में रहता है कि हाँ मुझे जाना है तो मुझे ये पहन के जाना है, बट ऐसा कुछ था नहीं, तो मैंने कुछ डिसाइड नहीं किया था। अभी सडनली अब मुझे ये साड़ी दिखा, मैंने सोचा चलो रिसेप्शन पे जा रहे हैं तो साड़ी चलता है। वैसे तो मुझे साड़ी पहनना अच्छे से आता नहीं है और पता नहीं भी कितना टाइम लगने वाला है और मैं कैसी लगूंगी मुझे ये भी नहीं पता, बट सर्दी भी है, फीवर जैसा भी लग रहा है, तो उतना मन नहीं था, लेकिन मैंने बोला चलो पहन लेते हैं, जितना देर होगा उतना देर होल्ड करेंगे रहेंगे, नहीं तो फिर आ जाएंगे। तो इसलिए मैंने सडनली ब्लॉग स्टार्ट किया और मैं अभी बस रेडी होना स्टार्ट ही हुई हूँ। मैंने भी कुछ नहीं किया है, फेस पे भी कुछ भी नहीं लगाया है, एकदम ऐसे है। तो बस अभी रेडी होती हूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ, क्योंकि लेट भी हो रहा है, जाने का प्लान नहीं था जिसकी वजह से मैं आराम से बैठी थी। तो मैं मिलती हूँ आपसे रेडी होने के बाद। मैं रेडी हो चुकी हूँ, मैंने ये वाला चूड़ी पहना है ग्रीन, इसके साथ मैच तो नहीं जा रहा है बट मैंने पहन लिया। और मैंने ये चोकर सेट खरीदा था दुर्गा पूजा में गई थी, तो शायद दुर्गा पूजा का समय का ये मुझे याद नहीं है। और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं हेयर में क्या करूँ यार, पता नहीं कैसा लग रहा है कैसा नहीं, तो मैंने ऐसे कर लिया है। और आज का ये पूरा लुक है कुछ ऐसा, बाहर टाइम दिखने के लिए कुछ होगा तो दिखा दूँगी, मुझे समझ नहीं आ रहा है। मुझे ये हेयर बिल्कुल ऐसे ठीक नहीं लग रहा है, आप लोग बताइए कैसा लग रहा है। तो बस हम लोग रेडी हैं ऑलमोस्ट, हम निकलेंगे थोड़ी देर में। मुझे हेयर का समझ नहीं आता यार हमेशा से, कि मैं आप मेकअप जैसा बोलोगे मैं कर दूँगी, बट मुझे हेयर का बिल्कुल समझ नहीं आता है कि मैं क्या करूँ। मुझे हेयर के लिए लगता है ब्यूटी पार्लर में जाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पर्सनली ये लुक में ये ऐसा हेयर नहीं ठीक लग रहा है। और मैं बाल खोल भी नहीं सकती क्योंकि मेरा स्ट्रेटनर जो है वो ख़राब हो चुका है, तो ये नहीं कि मैं उसको स्ट्रेट कर लूँ, वो भी नहीं कर सकती। तो देखते हैं कैसा ऐसा अगर रहेगा तो ऐसा रहेगा, नहीं तो अगर मूड चेंज हुआ तो कुछ और करूँगी, देखती हूँ। फिलहाल तो अभी रेडी हूँ और अभी थोड़ी देर में निकलेंगे। सबसे ज़्यादा ही बेस्ट है रिसेप्शन, हमें अभी आए हैं गिफ्ट लेने के लिए। हम लोगों ने अभी तक गिफ्ट भी नहीं लिया था, हर काम लास्ट मोमेंट पर होता है, बट हम लोगों ने घड़ी फाइनल कर लिया है, उसको पैक करवा रहे हैं, उसके बाद हम लोग यहाँ से निकलेंगे, 8 बजने वाले हैं। क्या करो गैस चूल्हा, वो तो लड़की लोग का खिलौना है, लड़के नहीं खेलते। खाना बनाओगे? डांस प्रोग्राम है शायद, पता नहीं कितना रिकॉर्ड हो पाएगा क्योंकि सब में गाना बजेगा और कॉपीराइट आ जाएगा। वैसे मेरा फेस ग्लो कर रहा है, अच्छा मेकअप हुआ है, मैंने हेयर अपना चेंज नहीं किया, जैसा था वैसे ही मैंने रख लिया। आप बताइएगा कैसी लग रही हूँ। और बस अभी यहाँ पे प्रोग्राम इंजॉय करते हैं और क्या। अभी मैं पी रही हूँ ये कड़ाके किया गया है वो वाला, और कॉपीराइट आ रहा है इसलिए मैं ज़्यादा बोलूँगी नहीं, मैं इसको एंजॉय करती हूँ।
अभी नूडल्स खाते हैं, बहुत ज्यादा टेस्टी था, अब नूडल्स खाते और अभी चलिए चलते हैं खाना खाने। खाने में बहुत सारी वैरायटी थी बट मैंने बहुत सारा आइटम नहीं लिया, बहुत ही ज़्यादा आइटम था बट मुझे थोड़ा बहुत जो ठीक लगा एक एक चम्मच बस मैंने टेस्ट करने के लिए ही लिया, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि मेरा आवाज़ भारी है, मुझे सर्दी है, फीवर जैसा लग रहा है, इसलिए मैंने ज़्यादा नहीं खाया। बहुत अच्छी पार्टी थी, बहुत इन्जॉय किया हमने। ऐसी पार्टी में क्या होता है ना बेसिकली कि आप ब्लॉग नहीं बना सकते प्रॉपर, क्यों? क्योंकि इतनी म्यूज़िक बजती है और इतने तेज़ साउंड में कि आप कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर सकते। अगर आप रिकॉर्ड कर भी रहे हो तो बेसिकली आप ओरिजिनल साउंड में नहीं डाल सकते, और अगर ओरिजिनल साउंड में वो सारी चीज़ें ना हो जो आदमी लाइव देख रहा है तो उतना मज़ा या फिर आप उससे रिलेट नहीं कर पाते हो। इसलिए मेरे ख्याल से शादी पार्टी या फिर रिसेप्शन पार्टी या फिर कोई भी फंक्शन में जहाँ पे ऐसे डीजे वो जो बज रहा है या बहुत फुल साउंड में गाना चल रहा है तो थोड़ा तो मज़ा किरकिरा हो ही जाता है कि आप ओरिजिनल ऑडियो नहीं डाल सकते जो रहता है, कॉपीराइट आ जाएगा ऑब्वियसली, गाना है तो ये यूट्यूब में ही है, पता नहीं क्यों, लेकिन क्या कर सकते हैं, है तो है। तो जितना मुझे लगा कि हाँ ये डाल सकती हूँ मैंने डाल दिया है, और बहुत अच्छा था, खाना भी बहुत अच्छा था, बहुत सारे मतलब क्या बोलते हैं डांस परफॉर्मेंस हुए जो मैंने सब नहीं डाला है क्योंकि उतना डालने का कोई लॉजिक था नहीं, क्योंकि ओरिजिनल तो साउंड जैसे कि मैं डाल नहीं सकती थी, इसलिए छोटा सा ही क्लिप मैंने डाल दिया है, आप लोग देखिए। और कुछ ऐसा रहा पार्टी और मज़ा आ गया, और ये चूड़ी भी बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है, और मेरा मेकअप भी अभी तक हमेशा की तरह सेम है जैसा था शुरू में। तो होपफुली आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, और गुड नाइट, नेक्स्ट टाइम मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तो बाय बाय।